सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा श्री वाली जी दा बोल सांचे दरबार की जय। सर्वस्याति हरे देवे नारायण नमस्तुते।
हंसयक्ताभिमानस्य ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम् महाक्षरिके देवि नारायणि नमस्तुते त्रिशूलचन्द्राधिधरे महावृषभवाहिनि माहेश्वरि स्वरूपेण नारायणि नमस्तुते मयूरकुक्कुरविदे महाशक्ति धरे नखे कौमारी रूपसंताने नारायणि नमस्तुते शङ्खचक्र गदाचार गृहीत परमायुधे प्रसीद वैश्रवीरूपे नारायणि नमस्तुते गृहे त्वग्र महाचक्रे दशाधृषभसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमस्तुते विशृङ्गरूपे रोग्रेण हन्तुं दैत्यागिदध्य मे त्रैलोक्यचारसहिते नारायणि नमस्तुते किरीटिणि महावज्रे सहस्रनयनज्वले वृत्रप्राणहरे चन्द्रे नारायणि नमस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हतजत्या महाफले घोररूपे महारावे नारायणि नमस्तुते दशाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे कामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये शत्रे पुष्टे सुदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमस्तुते वेदे सरस्वतीवरे भूतिभाप्रमितामसि धीरजे त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवि दुर्गे देवि नमस्तुते हे धत्ते मगनं स्वाम्यं लोचनत्रयभूषितम् पातुना सर्वपि दिव्यः कात्यायनि नमस्तुते ज्वालाकरालमत्यग्रमशेषासुरसूदनम् त्रिशूलं पादुनो भेद भद्रकाले नमस्तुते श्रेयश्रीदशतेजासी स्वर्णापूरयाजग साखण्डा पादुनो देवि पापेभ्यो नः सुदानिव असुरासिर्मसापङ्कचर्चितस्तैकरज्वलः शुभाय खड्गो भवतां चण्डिके त्वां रताभयम् रोगाणशेषातपः चतुष्ट रुष्टाकामान् सकलानभीष्टान् विश्वाधिकाधारयसे विश्वं
वैष्णो माता जी की संध्या कालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं, सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए
अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान ओम अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां च गजततः श्वसन्ति चैव ये भक्त्या मम महात्मोत्तमम् राजेशां दुष्कृतं किञ्च दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न च वैषम्यराजनम् शत्रुणामयं तस्य दस्युतो वा न राजतः काशस्तो योगा कदाचित् सम्भविष्यते तस्मान्महात्म पठेतव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं सत्तरणहितान् सर्वानशेषासो महामारे समद्भवान् कदा त्रिविधमुत्पादं महात्म्यं शमये मम यत्रैकपठते सम्यक् नित्यमायधने मम सदा न तद्विमोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् वये प्रवाणे भूयाय अग्निकारे महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितम् उच्चार्यं शास्त्रमेव च जानता जानता वापि भले पूजां तदा कृता हृदि शिक्षामहं वेदावर्ण्यहोमं तदा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी कस्यामहात्म्यं श्रुत्वा भक्ते समन्वितः सर्वाभागा निर्मुक्तो धनधान्या सुधान्वितः मनुष्यमत्तधारेण भविष्यति न संशयः श्रुत्वा महात्म्यं तथा चोत्पत्त्या शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपुहासंशयं जाते कल्याणं च भवत्यते नन्दजयकुलं भोजा महात्म्यमशर्भताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाश्रमं जाते ग्रहपीडा च दारुणा दुःस्वपनं च निर्दृष्टं स्वस्वपनमुपजायते बालकः विभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्गादवेदेशनां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्ताणामशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षभूतपिशाचानां पतनादेवनाशनं सर्वं मनैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पागधूपे च गन्धदेपे सर्वोत्तमे विप्राणां भोजने होमे त्वक्षदीयहानिशम् अन्ये च विविधे भोगैः पदानि वत्सरे नया
शुकं हरति पापानि तथा रोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भोजनजायन्मनां केतनां मम युद्धेषु चरितं जन्म दुष्टदैत्यानिवारणम् कस्य सुदैवैरिकृतं भयं भुङ्क्त्वा न जायते युष्माभिस्तया याच ब्रह्मचरेकृताः ब्रह्मणा च कृता सातो प्रयच्छन्देश वामतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि धावाने परिवारितः कस्तुभिर्वाविदाशून्य गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुजातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्य भद्या वन्दगतोऽपि माम् आघूणितो वा वाक्येन दृढा भोगे महानवे भजस्तु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वाभदासु घोरासु भेदना व्यङ्गितोऽपि वा स्मरन्मे तच्चरितं नरामुच्चेत सङ्गतात् मम प्रभावा सिंहाव्यादस्य भो वेरिण सदा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा सा पर्वते चण्डिका चण्डविक्रम पश्यतामेव देवानां तत्र वाधीयत एभि देवानिरातङ्गः स्वाधिकारान्यथा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रुर्विनिहतादयः वेत्याशतेभ्यान्यते शुम्भदेवर्मो युधि जगद्विध्वंसरे तस्मै महोग्रतुलविक्रमे निशम्भे च महावीर्ये शेषा पातालमायुः एवं भगवते देवे सान्नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूम जगतः परिपालनम् हे धर्मोय देवेश्वं सेव विश्वं प्रसूयते साजाचिता च विज्ञानं तुष्टारेत्यं प्रयच्छति यातं देशसरलं ब्रह्माण्डं महजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारे स्वरूपया सेवकाले महामारे सेवशिष्य भवत्या श्रीकराधि भूतानां सेवकाले सनातनी भवकाले निनां चैव लक्ष्मीभृद्धे प्रदागृहे सेवाभावे तदा लक्ष्मीभिनाशायोपजायते सुरा सम्भोजिता पुष्पे धूमगन्धानिवेशता कदाचिवित्तं पुत्राश्च मतिं दर्वे गतिं शुभाम् अथ शुद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिवाच शिवो देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डे जापः शुभो भवेत् काकवचं नारला स्तोत्रम् कीलकं नारहस्यकम् कासूतं नापि ध्यानं च धान्यासो न कवाचनम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अधिगुह्यतरं देवे देवानामं दुर्लभम् गोपनीयं बृहत्तेन स्वयोनिरुम पार्वति मारणमोहनं वश्यं दम्भनो चाटनादिकम् पारमात्रेण संसृत्य कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्च ॐ नौ हौ क्लीं ह्रौं स्तः ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्च ज्वलहं संलं च फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपेण नमस्ते मधुमर्दिनी
नमकर्णवहारिण्य नमस्ते महिषादिने नमस्ते शुम्भहन्त्रे च नृशुम्भासुरघातिने जाग्रतं हि महाजयमे जभन्धन्वरक्षमे एकारि शिष्यरूपाय हेकारि प्रतिपालिका हेकारि कामरूपिण्य बीजरूपे नमस्तु ते चामुण्डा चण्डघाटी च एकारि वरदायिनि भिक्षे च भेदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि धुर्जटे पद्मे वामे भुवनदेश्वरे काके कालिकादेवे शांशे सुमे शुभं कुरु हुं कारूपिण्ये जं 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 भनादिने ब्राह्मे भ्रूं भैरवे भवाने च नमो नमः अङ्कं चं टं टं पं यं शं भीं गुं ऐं भीं हं छं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोटय त्रोटय देतं कुरु कुरु स्वाहा पां भीं भुं मानवदे पूर्णां कां भीं भुं केतरे तदा सप्तशते देव्या मङ्गसिद्धिं प्रदर्शने इदन्तो कुञ्जिका स्तोत्रं मङ्गजागर्तिहेतवे अभक्तेनैव दातव्यं कोविदं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवे एनां सप्तशतिं पठे तस्य जायते सिद्धे अरण्ये रोदनाय रः ॐ श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है, विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है, मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा आप दुर्धाराष्टकं नमस्ते शरण्य शिवे नमस्ते अपारे महादुःखरे
Sarasvati Vandana,
श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकारख्य का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से, लंबे स्वर से, हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन परमय स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओम का रखे का नाद कीजिएगा।
सारं बिंदुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जान बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही है। सचिया जोता बाली जयकारा शेरा बाली जीदा सच्चे दरबार की। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपा सर्वेश्री तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार। एतत्ते वदनम सौम्यम लोचनत्रय भूषितम पादुना सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते। कात्यायनी, यह तीन लोचनों से भूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार। ज्वाला कराल मत्युग्रम शेषासुर सूदनम त्रिशूलम पादुभीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार। हिनस्ति दैत्य तेजांसी स्वेना पूरी जा जगत सा घंटा पातु नो देवी पापे बिहुना सुतारे। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों तेज नष्ट किए देता है, तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। असुरा से वसा पंक चर्चित अस्ते करोज्ज्वला शुभाय खड़गो भवतु चंडिके त्वाम नतावयम। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड़ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे। हम सभी भक्तजन भक्तिपूर्वक श्रद्धा पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। नार्यास्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी शक्ति का पूजन होता है वहीं देवताओं का निवास होता है, और जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ सारी क्रियाएं असफल हो जाती हैं। एक बार हलाहल नाम वाले अनेक महादैत्य प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के वरदान को प्राप्त करके तीनों लोकों को घेर लिया और वैकुंठ तथा कैलाश पर आक्रमण कर दिया। तब शंकर भगवान जी तथा भगवान विष्णु उनसे युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। 60,000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। अंत में बड़ी कठिनता से भगवान विष्णु तथा शंकर जी ने उन दैत्यों पर विजय प्राप्त की और अपने अपने लोकों में आकर के अपनी शक्तियों के समक्ष जिनके बल द्वारा वो इस युद्ध को जीत सके थे अभिमान पूर्वक कहने लगे कि किस प्रकार हमने उन बलि दैत्यों का वध किया है, उन पर विजय प्राप्त की है। इस प्रकार अभिमान पूर्वक बातें सुन करके दोनों लक्ष्मी तथा गौरी शर्म पूर्वक हास करने लगी, जिससे दोनों देवता क्रोधित हो गए और अवहेलना पूर्वक अनुचित उत्तर देने लगे, जिससे दोनों शक्तियाँ उन दोनों से पृथक हो गईं, अलग हो गईं। और उनके पृथक होते ही भगवान शंकर तथा विष्णु शक्तिहीन हो गए, विकृत हो गए, तेज रहित हो गए। भगवान ब्रह्मा जी सोचने लगे कि ऐसा क्या कारण है कि सृष्टि का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। जब मैं इसका कारण ही पता लगा पाऊंगा तो इसका प्रतिकार कैसे करूंगा, क्योंकि भगवान विष्णु तथा शंकर जी के निस्तेज होने पर सृष्टि का कार्य ठीक प्रकार नहीं चल पा रहा था। भगवान विष्णु पालन करते हैं, सृष्टि का पालन नहीं हो पा रहा था, इसलिए ब्रह्मा जी चिंतित हुए। और थोड़ी देर तक वो अपने जो शक्ति द्वारा सृष्टि का कार्य बार संभाले रहे। फिर उन्होंने ध्यान द्वारा देखा समाधि अवस्था में कि इन दोनों के निस्तेज होने पर सृष्टि का कार्य ठीक प्रकार नहीं चल पा रहा है, ये दोनों शक्तिहीन हो गए हैं।
इसलिए उन्होंने अपने मानस पुत्रों का दक्ष इत्यादि मानस पुत्रों का आह्वान किया। सभी उनके मानस पुत्र सिर झुकाए हुए उनके सामने खड़े हुए और उन्होंने उनसे कहा कि आप जो हैं उन शक्ति की आराधना करो, क्योंकि सृष्टि का कार्य ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहा है। आप उन दुर्गा माता को प्रसन्न करो जिससे वो दोनों शक्ति संपन्न हो जाए और सृष्टि का कार्य ठीक प्रकार से चले, क्योंकि मैं सृष्टि का कार्यभार संभाले हुए हूँ और उनकी तपस्या करने में आराधना करने में असमर्थ हूँ। सभी उनके मानस पुत्र हिमालय की तलटी पर गए और 1,00,000 वर्ष तक वो दुर्गा माता की आराधना करते। माता रानी प्रकट हुई और उन्होंने विधि पूर्व माता की समाराधना की। हे माँ, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति हैं। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्ति से संबंध करके सृष्टि का सृजन पालन संहार कराती हैं। माता ने प्रकट होकर कहा कि देवताओं, आपका कार्य करने के लिए मैं कल्प वृक्ष के समान हूँ, आपको किस प्रकार का कष्ट है। उस समय देवताओं ने कहा कि माँ, आप जानते हैं कि इस प्रकार जो इस समय जो भगवान शंकर तथा विष्णु शक्तिहीन हो गए हैं और सृष्टि का कार्य ठीक प्रकार नहीं चल पा रहा है, इसलिए आपकी कृपा हो वो शक्ति संपन्न हो जाएं और उनको आपकी अपनी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएं और ठीक प्रकार से सृष्टि का कार्य चल पाए। और दूसरी हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि आपका जन्म जो है वो हमारे घर में हो। माता जी ने कहा कि मेरी शक्तियों का अपमान करने के कारण ही उनकी ऐसी दशा हुई है, उनको भूल कर भी मेरी शक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। अब मेरी लेश मात्र कृपा से वो पुनः शक्ति संपन्न हो जाएंगे, परंतु कभी भी उनको अपमान नहीं करना चाहिए, शक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। तब माता जी ने उनको वरदान दिया कि मैं आपके घर में प्रकट होंगी। माँ गौरी जो सती के रूप में दक्ष के घर में उत्पन्न हुई और खीर सागर से लक्ष्मी प्रकट हुई, ये दोनों शंकर तथा भगवान विष्णु को प्राप्त हुई और वो शक्ति संपन्न हो गई, तब वो अभिमान रहित भी हो गई। माता जी ने कहा कि मेरा जो माया बीज है इसका आपको जाप करना चाहिए और इस विराट स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ध्यान का तात्पर्य यही है कि जब स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश जो इन शक्तियों से संबंध होकर सृष्टि का कार्य करते हैं और इनका अपमान करने के कारण शक्तिहीन हो जाते हैं, तो हम भक्तों क्यों नहीं करना चाहिए, सदैव नारी शक्ति का आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नार्यास्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। शास्त्र में कहा गया है कि जहाँ नारी शक्ति का पूजन होता है वहीं देवता का निवास होता है। आप सभी सौभाग्यशाली ये पुण्यकर्मी हैं जिनको आज उन्हीं के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप से केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान होती हैं, आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्तियाँ जड़ मूल से एक हैं, ऊपरा के तीन स्वरूप, और इन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही हैं, जिसमें आप स्नान करते हैं, जनावंत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएँ हाथ पहाड़ी पर प्राकृतिक रूप से विराजमान गणपति जी महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में महाराज जी का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवल रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से दूध पुत्र धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति नेक कमाई हर प्रकार की मनोकामना घर किसी देश वेश में समृद्धि मान देती हैं, और क्लीन के चरण से आपको शक्ति प्राप्त होती है, आपके शत्रु रोगों का नाश होता है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता के चरण में बैठे हुए हम सभी भक्तियां 3 बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे बिच्छे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे विच्चे। सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा, शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम 1 माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको सदा प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता, आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं अपने मन में संजोए माता प्रति लाए हैं पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर
उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय कर शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की बेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री मणिंद्र जी से, अपनी मधुर बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मणिंद्र। जय करा शिरोमणि जी का बोल सच्चे दरबार की जय। तेरी आंखों के तारे करोड़ों माँ, तेरी आंखों के तारे करोड़ों माँ, मेरा कोई न जग में तेरे सिवा। तेरी आंखों के तारे करोड़ों माँ, मेरा कोई न जग में तेरे सिवा। और तेरी आंखों के तारे करोड़ों माँ, मेरा कोई न जग में तेरे सिवा। तेरी आंखों के तारे करोड़ों माँ, मेरा कोई न जग में तेरे सिवा। मुझे खाली नजर से मोड़ो माँ, मेरा कोई न जग में तेरे सिवा। तेरी आंखों के तारे करोड़ों माँ, मेरा कोई न जग में तेरे सिवा। तेरी आंखों के तारे करोड़ों माँ, मेरा कोई न जग में तेरे सिवा। तेरी आंखों के तारे करोड़ों माँ, मेरा कोई न जग में तेरे सिवा। तेरी आंखों के तारे करोड़ों माँ, मेरा कोई न जग में तेरे सिवा। करके चले गए वो इक करके चले गए, आस थी माँ जिन नातों से वो इक करके चले गए, वो इक करके चले गए, वो इक करके चले गए। फूलों से भर दी जिनकी डगर, वो कांटों से भर कर चले गए, वो कांटों से भर कर चले गए, वो कांटों से भर कर चले गए। मैंने फूलों से भर दी जिनकी डगर, वो कांटों से भर कर चले गए, वो कांटों से भर कर चले गए, वो कांटों से भर कर चले गए। हो अब तुम तोड़ा, हो अब तुम तोड़ा, हो अब तुम तोड़ा, मुझको छोड़ो माँ, मेरा कोई न जग में। तेरी आंखों के तारे करोड़ों माँ, मेरा कोई न जग में तेरे सिवा। तेरी आंखों के तारे करोड़ों माँ, मेरा कोई न जग में तेरे सिवा। मुझे खाली नजर से मोड़ो माँ, मेरा कोई न जग में तेरे सिवा। तेरी आंखों के तारे, तेरी आंखों के तारे, तेरी आंखों के तारे करोड़ों माँ, मेरा कोई न जग में तेरे सिवा। तेरी आंखों के तारे करोड़ों माँ, मेरा कोई न जग में तेरे सिवा। तेरी आंखों के तारे करोड़ों माँ, मेरा कोई न जग में तेरे सिवा। तेरी आंखों के तारे करोड़ों माँ, मेरा कोई न जग में तेरे सिवा। टुकड़ में नीम के पत्तों में है शहद अनोखा भर देती है, शहद अनोखा भर देती है, शहद अनोखा भर देती है। कण पे नीम के पत्तों में है शहद अनोखा भर देती है, शहद अनोखा भर देती है, शहद अनोखा भर देती है। तेरा तीन लोक में राज है माँ, तू रंगों को राजा कर देती, तू रंगों को राजा कर देती, तू रंगों को राजा कर देती। तेरा तीन लोक में राज है
रंगों को राजा कर देती, रंगों को राजा कर देती, रंगों को राजा कर देती। ओ अब मेरा ना, अब मेरा ना क्या हो, अब मेरा ना दिल यूं तोड़ो माँ मेरा, कोई न जग में तेरे सिवाय। अब मेरा ना दिल यूं तोड़ो माँ मेरा, कोई न जग में तेरे सिवाय। तेरी आंखों के तारे करोड़ो माँ मेरा, कोई न जग में तेरे सिवाय। तेरी आंखों के तारे करोड़ो माँ मेरा, कोई न जग में तेरे सिवाय। खाली न डर से बोलो माँ मेरा, कोई न जग में तेरे सिवा। तेरी आंखों के, तेरी आंखों के, तेरी आंखों के तारे करोड़ो माँ मेरा, कोई न जग में तेरे सिवा। तेरी आंखों के तारे करोड़ो माँ मेरा, कोई न जग में तेरे सिवा। तेरी आंखों के तारे करोड़ो माँ मेरा, कोई न जग में तेरे सिवा। आंखों के तारे करोड़ो माँ मेरा, कोई न जग में तेरे सिवा। वो तेरी दया का द्वारा खुलते ही तूफान में दीपक जग जाएगा, तूफान में दीपक जग जाएगा, तूफान में दीपक जग जाएगा। तेरी तरह सा हाथ हिलाने से तूफान में दीपक जग जाएगा, तूफान में दीपक जग जाएगा, तूफान में दीपक जग जाएगा। तेरी जरा सा हाथ हिलाने से मेरा बेड़ा किनारे लग जाएगा, मेरा बेड़ा किनारे लग जाएगा, मेरा बेड़ा किनारे लग जाएगा। तेरा जरा सा हाथ हिलाने से मेरा बेड़ा किनारे लग जाएगा, मेरा बेड़ा किनारे लग जाएगा, मेरा बेड़ा किनारे लग जाएगा। मेरी आशा का क्या हो, मेरी आशा का क्या हो, मेरी आशा का दर्पण जोड़ो माँ मेरा, कोई न जग में तेरे सिवा। मेरी आशा का दर्पण जोड़ो माँ मेरा, कोई न जग में तेरे सिवा। मेरी आंखों के तारे करोड़ो माँ मेरा, कोई न जग में तेरे सिवा। मेरी आंखों के तारे करोड़ो माँ मेरा, कोई न जग में तेरे सिवा। मुझे खाली नजर से बोलो माँ मेरा, कोई न जग में तेरे सिवा। तेरी आंखों के जाओ, तेरी आंखों के जाओ, तेरी आंखों के तारे करोड़ो माँ मेरा, कोई न जग में तेरे सिवा। तेरी आंखों के तारे करोड़ो माँ मेरा, कोई न जग में तेरे सिवा। तेरी आंखों के तारे करोड़ो माँ मेरा, कोई न जग में तेरे सिवा। तेरी आंखों के तारे करोड़ो माँ मेरा, कोई न जग में तेरे सिवा। तेरी आंखों के तारे करोड़ो माँ मेरा, कोई न जग में तेरे सिवा। तेरी आंखों के तारे करोड़ो मेरा, कोई न जग में तेरे सिवा। मेरा कोई न जग में तेरे सिवा, 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 मेरा कोई न जग में तेरे सिवा। दरबार की जय। एक कुमार जयकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। भवन बड़ा वे उच्ची धार माइए, सोना नजारा तेरे भवना दा। भवन बड़ा वे उच्ची धार माइए, सोना नजारा तेरे भवना दा। भवन बड़ा वे उच्ची धार माइए, सोना नजारा तेरे भवना दा। भवन बड़ा वे उच्ची धार माइए,
मुखी मैया प्रखंड बसिया बगला मुखी मैया प्रखंड बसिया प्रखंड बसिया माँ प्रखंड बसिया प्रखंड बसिया माँ प्रखंड बसिया हो राम बसे मजरूर माइए सोना नजारा तेरे भवना का तेरे भवना दा भवन बनावे हार माइए सोना नजारा तेरे भवना दा नगरिया तारा मैया नैना बसिया नगरिया धारा मैया नैना बसिया नगरिया धारा मैया नैना बसिया नगरिया धारा मैया चार माइए सोना नजारा तेरे भवना दा भवन पड़ावे उच्चार माइए सोना नजारा तेरे भवना दा भवन पड़ावे उच्चार माइए सोना नजारा तेरे मंदरा दा वैष्णो बसिया जमुआ किनारे मैया वैष्णो बसिया जमुआ किनारे मैया वैष्णो बसिया जमुआ किनारे मैया वैष्णो बसिया वैष्णो बसिया माँ वैष्णो बसिया वैष्णो बसिया माँ वैष्णो बसिया भोला बसा भर मार माइए तेरे भवना दा भवन पड़ावे उच्चार माइए सोना नजारा तेरे भवना दा भवन पड़ावे उच्चार माइए सोना नजारा तेरे भवना दा भवन पड़ावे उच्चार माइए तबिया किनारे मैया काली बसिया तबिया किनारे मैया काली बसिया ओ काली बसिया माँ काली बसिया काली बसिया माँ काली बसिया उज्जैन बसे महाकाल माइए सोना नजारा तेरे भवना दा सोना नजारा तेरे भवना भवन बड़ावे उच्ची धार माइए सोना
किनारे मैया काल का बसिया ओ एक किनारे मैया काल का बसिया एक किनारे मैया काल का बसिया काल का बसिया माँ काल का बसिया काल का बसिया माँ काल का बसिया कौना हारी देव सिद्ध धार माइए सोना नजारा तेरे भवना दा भवन बड़ा वेलुची हार माइए सोना नजारा तेरे भवना दा भवन बड़ा वेलुची हार माइए सोना नजारा तेरे भवना दा भवन बड़ा वेलुची हार माइए सोना नजारा तेरे भवना दा तेरे भवना दा भवना में उच्ची धार माइए पूरा नजारा तेरे भवना दा भवन बना में उच्ची धार माइए पूरा नजारा तेरे भवना दा तेरे मंदरा दा भवन बनावे उच्ची धार माइए सोना नजारा तेरे भवना दा ओ सोना नजारा तेरे भवना दा ओ सोना नजारा तेरे सच्चे दरबार की जय सब छोड़ गए बारी बारी कर कृपा मुझ पर दातारी सब छोड़ गए बारी बारी कर कृपा मुझ पर महाकाली सब छोड़ गए बारी बारी कर कृपा मुझ पर दातारी सब छोड़ गए बारी बारी कर कृपा मुझ पर महाकाली तो बिगड़ी बना ही गई सासों के कष्ट मिटाने को तू पवन रूप धर आई गई सासों के कष्ट मिटाने को तू पवन रूप धर आई गई जिसने भी तुमको याद किया उसकी तू बिगड़ी बनाई गई जिसने भी तुमको याद किया उसकी तू बिगड़ी बनाई गई सासों के कष्ट मिटाने पवन रूप धर आई गई सासों के कष्ट मिटाने को तू पवन रूप धर आई गई क्यों चुप हो अब मेरी बारी कर कृपा मुझ पर महातारी क्यों चुप हो अब मेरी बारी कर कृपा मुझ पर महाकाली सब छोड़ गए बारी बारी कर कृपा मुझ पर महातारी सब छोड़ बारी बारी हर कृपा मुझ पर महाकाली सब छोड़ गए बारी बारी कर कृपा मुझ पर महाकाली सब छोड़ गए बारी बारी हर कृपा मुझ पर महाकाली तू माह मेरे हृदय में अपने बच्चों का प्यार भी है तू माह
चारे कर कृपा मुझ पर माना फिर क्यों जीने सहला चारी हर कृपा मुझ पर माई अब छोड़ गए बारी बारी कर कृपा मुझ पर माता रे सब छोड़ गए बारी बारी कर कृपा मुझ पर माता रे नहीं वो बीमारी कर कृपा मुझ पर माता रे क्यों हटती नहीं वो बीमारी कर कृपा मुझ पर माता रे छोड़ गए बारी बारी कर कृपा मुझ पर महतारी मेरे भटक से मन को जन्म में चरणों में आज लगा लेना मेरे भटक से मन को जन्म में चरणों में आज लगा लेना गफलत से लुटा जाता हूँ मैं जग जननी मुझे बचा लेना गफलत से लुटा जाता हूँ मैं जग जननी मुझे बचा लेना मन को जगदम्बे चरणों में आज लगा देना मेरे भटकते मन को जगदम्बे चरणों में आज लगा देना गफलत से लुटा जाता हूँ मैं जग जननी मुझे बचा लेना गफलत से लुटा जाता हूँ मैं जग जननी मुझे बचा लेना यही एहसान करो बारी कर कृपा मुझ पर माता रे एहसान करो भारी कर कृपा मुझ पर माता रे सब छोड़ गए बारी बारी कर कृपा मुझ पर माता रे सब छोड़ गए बारी बारी कर कृपा मुझ पर माता रे सब छोड़ गए बारी बारी कर कृपा मुझ पर माता रे सब छोड़ गए बारी बारी कर कृपा मुझ पर माता रे 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 जय कर श्रवण बोल सच्चे दरबार की जय ओम उद्यद्भानु सहस्र कांति मरुण क्षोमां चिरो बालिकां रक्तालिप्त पयोधराम जब बड़ी विद्यामवीतिं वरं हस्ताजै धरतीं ते नेत्र विलसत् वक्त्रारविन्दस्यं देवीं बद्धिमाञ्चुरत्मुकुटा वन्देरविन्दस्थिता सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा बोल सच्चे दरबार की जय। आज की परम पावन संध्या कालीन आरती वेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद।
ॐ पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसव समिन्ददान् पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथ यज्ञे कृतेन सन्तन्नं वर्धयस सत्या सन्तु जजमानश्च गावः मन्त्रार्था सबला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयश्च श्रीर्वर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाविदा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशु बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः आपकी दीर्घायु हो आपको आरोग्यता प्राप्त हो आप धन धन से संपन्न हो जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय अभी सभी भक्तगण उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है आपकी पुस्तिका के अंत पृष्ठ पर आरती है सभी बोलेगा ओम जय अम्बे गौरी भैया जय श्यामा गौरी भैया जय मंगल करनी भैया जय आनंद करनी तुम को निश दिन जावत भैया जी को निश दिन जावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी भागत दूर विराट जी को मृग मद को भैया जी को जल से दो नैना ओ जल से दो नैना चंद ओम अम्बे गौरी कनक सवार कलेव रक्तांबर राजे भैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गल माला पुष्प गल माला कण कण पर साज ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राज खड़ग कपर धारी ओ मैया खड़ग कपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत जिनके दुख हारी साके मोती भैया नाके मोती ओटिक चंद्र दिवाकर ओटिक चंद्र दिवाकर साराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी कंभन संभ विदार महिषासुर गाती भैया महिषासुर गाती बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे
सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जहाँ बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, फिर बोलो जय माता दी, हवे मिला जय माता दी, संध्या मिला जय माता दी, आरती मिला जय माता दी, आप बोला दी जय माता दी, कष्ट मिटा दी जय माता दी, मेरा कर दे जय माता दी, दुनिया बन दे जय माता दी, हरे के जाने जय माता दी, सोला आने जय माता दी, गोदा बन जय माता दी, वीर दन दी जय माता दी, लाल दन दी जय माता दी, माने सुने जय माता दी, उठी बोलो जय माता दी, हाथ भी बोलो जय माता दी, राधे मिला दे जय माता दी, गोदा वाली जय माता दी, आटा वाली जय माता दी, सोलिया वाली जय माता दी, दुनिया वाली जय माता दी, गोदा वाली जय माता दी, हाथ वाली जय माता दी, दंकल जानी जय माता दी, हवा रानी जय माता दी, भंडी रानी जय माता दी, जय माता दी, कन्हैया गोदा वाली माता तेरी सदा। सभी भक्त यहाँ दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरण में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता। में गुरु जी को वंदना द्वितीय याद करे, द्वितीय तुम्हारा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश धर्मा, आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण मैं।
Lakshmi Tatam Kamalanayanam Jogi Vrindavanam Vande Vishwamagam
सबकी मनोकामना पूरी हो। जयकारा शरण वाली दा।